हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और ये मेरे चैनल है साई अकेडमी फॉर सक्सेस। और जैसे आप देख पा रहे हैं, हम लोग लाइफ प्रोसेस का सेकंड पार्ट आज शुरू कर रहे हैं। एंड अब तक जो हमने पढ़ा वो इसके एक पार्ट मैंने ऑलरेडी उसके लिए बना दिया है। बट अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो आई होप कि मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ और आप पहले जाकर वो पार्ट देख लीजिए। तो मैं अपनी लास्ट स्लाइड से शुरू करता हूँ बच्चों। जो लाइफ प्रोसेस की जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर लास्ट स्लाइड है, इसमें फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स हमने पढ़ा था। और वहाँ हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और इसके साथ साथ जो सनलाइट होती है वो प्रोवाइड करती है एनर्जी, और क्लोरोफिल जो है उसको एब्जॉर्ब करती है सनलाइट को, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस करती है यानी वाटर को ऑक्सीडाइज करती है। हाइड्रोजन और जो वाटर है उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करने का काम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड करती है। वाटर इज़ टेकन अप फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स, और पानी जो है वो रूट्स के थ्रू पेड़ों तक पहुँचता है। आई होप आपको ये पूरा पैराग्राफ समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, उसमें लिखा है द साइट वेयर द फोटोसिंथेसिस अकर्स इन नो इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। दे कंटेन ग्रीन कलर पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल दैट ट्रैप्स सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी इसमें बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस करते समय जो क्लोरोप्लास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। और दे कंटेन ग्रीन कलर पिगमेंट, क्योंकि उसका इसको क्लोरोफिल कहते हैं, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो के अंदर भी, ये जो है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। आपको मेरी थोड़ी वॉइस अभी कम लग रही होगी आई होप, क्योंकि अभी रात के 3:30 बजे हैं और मैं अब इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दैट्स वाई हो सकता है मैं थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम देखते हैं, स्टेप्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस आर एज फॉलोज। यानी यहाँ पर हमें फोटोसिंथेसिस के वन बाय वन सारे स्टेप्स बताए गए हैं, जिसमें पहला स्टेप जो है वह हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। यानी सबसे पहले लाइट जो है क्लोरोफिल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करती है। देन कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, और उसके बाद लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये इसका सेकेंड पॉइंट है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है इसके अंदर, पानी जो है यानी कि जो वाटर है H2O वो सेपरेट होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर। एंड देन लास्ट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। यानी ये चार स्टेप हमने यहाँ पर दिए वन बाय वन, कि कैसे क्लोरोफिल पहले लाइट को अब्जॉर्ब करता है, देन जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, उसके बाद जो वाटर है उसको स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, एंड देन फाइनली कार्बोहाइड्रेट से जो कन्वर्जन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। इसीलिए जो जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और जब और ऑक्सीजन को वो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता उनको होती है एंड दे रिलीज ऑक्सीजन। आगे बढ़ लेते हैं यहाँ पर। देखो बच्चों, एक और नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी है वो आपको बता पाएगी बड़ी इजीली कि यहाँ पर हम लोग स्टोमेटा की बात करेंगे। 9th क्लास के अंदर भी आपने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा होगा। जो टाइनी पोर्स होते हैं ना लीव्स के अंदर, उनको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। लीव्स कंटेन स्मॉल ओपनिंग नोन एज स्टोमेटा विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। स्टोमा इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल विच गार्ड्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल ऑल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे जो हमारी बात हो रही है वो बात हो रही है स्टोमेटा की। स्टोमेटा जो कि डिफरेंट डिफरेंट आपको बता रखा है कि एक से ज़्यादा स्टोम होता है तो उनको स्टोमा बोलते हैं। और यहाँ बताया गया कि स्टोमेटा जो है वो टाइनी पोर्स होते हैं जिनके चारों तरफ गार्ड सेल्स होती हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्ट्रक्चर भी दे रखा है हमने स्टोमेटा का। और यहाँ नीचे ओवरऑल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको मिलेगी, जिसके अंदर क्या है CO2 प्लस H2O, और देखो सनलाइट ऊपर से नीचे क्लोरोफिल, ये सब मिलकर आपका बनता है C6H12O6, जिसको शुगर बोलते हैं। और मैं इसको अगर ग्लूकोज बोलूं तो वो भी गलत नहीं होगा। तो ये ग्लूकोज है प्लस में O2 ऑक्सीजन, और यही ग्लूकोज स्टार्च के रूप में स्टोर होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये स्लाइड हमारी कंप्लीट होती है। ठीक है, और हमारा जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने प्लांट्स की बात की है।
आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जहाँ पर हम लोग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे। देखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें प्लांट्स या कीमो बैक्टीरिया केमिकल के हेल्प से, और जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो सनलाइट की हेल्प से फूड बनाते हैं। बट व्हाट्स अबाउट हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वह न्यूट्रिशन होता है बच्चों जिसके अंदर जो जो न्यूट्रिशन जो ले रहा है वो अनेबल टू सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, यानी कि वो अपने आप वो फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकता है। बिसाइड दैट वो तीन अलग अलग तरीके से उस न्यूट्रिशन को ले सकता है। ये तीन पार्ट्स कौन, तीन टाइप्स कौन कौन से हैं बच्चों? जिसमें पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, एंड थर्ड है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है उसके अंदर क्या होता है कि होल फूड जो लेते हैं और उसके बाद बॉडी के अंदर उसको ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें आपका ह्यूमन बीइंग भी आएगा, अमीबा वगैरह इसी के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर क्या होता है कि इन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, फॉर एग्जांपल फंजाई। जैसे फंजाई होता है ना, वो क्या करता है कि डिकेइंग मैटर को, यानी कि जो पहले ही सड़ गया है, मर चुका है, उसको वो फूड के रूप में यूज़ करते हैं। यहाँ पे पूरा फूड वो यूज़ नहीं करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, बॉडी से बाहरी ब्रेक डाउन हो चुका है, बस खाली उसको खाना होता है, यानी लेस एनर्जी की इसमें नीड होती है। तीसरा हमारा है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर जो लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है और वो वहाँ से न्यूट्रिशन गेन करता है। इसमें कैस्केटा एक एग्जाम्पल हो सकता है, और लाइस, यानी हमारे जो सर के अंदर जू जो होती है, जू जिनको लाइस बोलते हैं, और जोक इसका एक एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि ये वाली वीडियो खास तौर पर कैसी रही, क्योंकि बहुत लेट नाइट में इसको शूट कर रहा हूँ, ठीक है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताना प्लीज़। एंड अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पर लिखा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और एक साइड में आपको दिख रहा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के यहाँ पर पांच पार्ट दे रखे हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। यहाँ पर न्यूट्रिशन इन अमीबा हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग ये पांचों चीज़ों को समझ लेते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप ये है क्या। न्यूट्रिशन एनिमल्स के अंदर पहला है इंजेशन, यानी ग्रहण करना, यानी टेक इन, यानी जब हम चीज़ों को लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंजेशन। नेक्स्ट बच्चों, डाइजेशन यानी खाने को पचाना, एब्जॉर्प्शन उस खाने को फिर एब्जॉर्ब करना अपने सेल्स के अंदर, देन एसिमिलेशन फिर ब्लड में मिलने के बाद जब ये फूड पूरा बॉडी के अंदर जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन, एंड लास्ट है इजेशन, यानी जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं इजेशन। क्योंकि हर जो सेल आपने पढ़ा था, सेल के अंदर सभी चीज़ों को, सभी सेल को आवश्यकता होती है, नीड होती है किसकी, एनर्जी की, और वो एनर्जी बच्चों हमें कहाँ से आती है, वो फूड से आती है, यानी ब्लड से आती है, और वही हमारी सेल तक पहुँचता है। वही आगे चल देते हैं हम, हमारे पास अमीबा है, अमीबा हैज़ अ होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन बच्चों हमने अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, जिसमें हमने बात की थी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर पूरे फूड को कैप्चर किया जाता है और उसको बॉडी के अंदर ही ब्रेक डाउन किया जाता है। द सॉलिड फूड पार्टिकल्स आर इंजेस्टेड विच रिएक्ट विद एंजाइम्स एंड आर डाइजेस्टेड, इट इज़ एन ओमनीवोर। अब यहाँ देखो, दो तीन चीज़ें यहाँ इस लाइन में आ गई, तो एंजाइम बता दूँ मैं आपको थोड़ा आराम से, फिर ओमनीवोर बताता हूँ। देखो, एंजाइम क्या होते हैं बच्चों? एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर वो कुछ पार्ट्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, जो फूड को पचाने में, फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करते हैं। कुछ का नाम बता दूँ मैं आपको, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है, लिपिड्स, ये सभी एग्जाम्पल हैं एंजाइम के। और यहाँ पर बात हो रही है कि ओमनीवोर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोर, तो ये वो ओमनीवोर है, यानी कि जो दोनों चीज़ें खा सकता है, यानी वेजिटेरियन भी और नॉन वेजिटेरियन भी। आगे चल लेते हैं, अमीबा मूव विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। आप यहाँ साइड में जो एक फिगर देख पा रहे हैं, न्यूक्लियस, वो जो आप साइड में देख पा रहे हैं ना, जो एरो से फूड पार्टिकल्स दिख रहा है, उसके जस्ट बराबर में जो पूरा जो राउंड हो रहा है वो आपका सूडोपोडिया होता है। और सूडोपोडिया की हेल्प से, देखो आप नीचे सेकेंड वाले स्लाइड में आपको दिख रहा होगा सूडोपोडिया, उस सूडोपोडिया की हेल्प से जो अमीबा है वो कैप्चर करता है फूड को, यानी उसे चलता है और फूड को कैप्चर कर लेता है। देन फूड अंदर आ गया है, और आपको यहाँ पर फूड वॉक्यूल दिख रहे होंगे, टाइनी से छोटे छोटे आपको पॉइंट दिख रहे होंगे, वो जो फूड वॉक्यूल है उसके अंदर जो फूड है वो पचता है, और
वहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड जो बाकी बचा होता है वो अमीबा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। आई होप बच्चों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये देखो मैं एक स्लाइड आपको एक्स्ट्रा दिखाया था, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। कल फिर मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ और आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देता हूँ। बस आपको इतना करना है कि वीडियो को पूरा देखना है। अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू।